स्मॉल हाउस प्लान डिज़ाइन, 9 फीट 6 इंच हाइट पर कलम, उसके बाद यहाँ पर रूप टॉप और उसके साथ रहेगा रूप। तो चलिए हम यहाँ पर जस्ट आइसोमेट्रिक व्यू के हिसाब से आपको साथ 3D शेयर करेंगे। तो इस डिज़ाइन का जो मेज़रमेंट उसके हिसाब से हम यहाँ पर ऐसे कॉलम यहाँ पर सेटिंग किया है। उसके बाद हम यहाँ पर स्टेयर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टेयर रेडी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर वॉल हम रेडी करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे रहेगा। तो इस वॉल के थ्रू आपको यहाँ पर जो डिज़ाइन है अच्छे से दिखा देगा, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 7 फीट 6 इंच हाइट, नेक्स्ट यहाँ पर 7 फीट 6, नेक्स्ट इधर आउटसाइड इनसाइड वॉल दोनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेडरूम आपको दो यहाँ पर मिल जाएगा, दो अटैच टॉयलेट, किचन, डाइनिंग और ड्राइंग एरिया, ओपन एरिया। उसके बाद फ्रंट में एक डोर दिखाई देगा आपको ऐसे। तो उसके बाद देखिए ऐसे हम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो स्टेयर के साथ पास में जो वॉल, इसको हम ऐसे रखेंगे बेडरूम को वॉल ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर देंगे डिलीट, इतना जितना भी यहाँ पर लाइन आया है बाहर के तरफ से, इस टाइप का डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। तो इसका इसके अंदर हम डोर तो यहाँ पर क्रिएट किया है, अभी भी विंडो बाकी है, उसको हमें सेटिंग करना है। यहाँ पर 2 फीट 4 इंच हाइट में इसका जो डिज़ाइन और इस जो किचन का स्लैब है यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ विंडो क्रिएट करना है। चलिए तब हम यहाँ पर विंडो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर 7 फिट एंड डेप्थ 4 फिट 6 इंच, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम विंडो क्रिएट करेंगे। उसके बाद GL to PL का भी मेज़रमेंट जो लाइन है यहाँ पर हम सेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर और भी एक लाइन क्रिएट करना है ऐसे। तो रेफरेंस लाइन हिसाब करके यहाँ पर हमने रेडी किया है। यहाँ पर GL to PL का लाइन, नेक्स्ट इधर से इधर तक GL to PL का लाइन। उसके बाद यहाँ पर रहेगा हमारा मेन डोर, जहाँ से हम घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे डोर रहेगा फ्रंट से, आपको ऐसे डोर जो हमने इस्तेमाल किया है आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। और जितना भी विंडो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे उसके बारे में भी आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हाइट, इसके हिसाब से हम यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसे। उसके बाद देखिए इसका जो हाइट इधर से हम सेटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर ऐसे एक विंडो क्रिएट करना है, तो इधर हमने विंडो क्रिएट कर दिया है। देखिए बाकी जो आपको विंडो और डोर अगर चाहिए तो आप ऐसे आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। चलिए हम इसके अंदर कुछ फर्नीचर ऐड करते हैं। 3D ड्राइंग बनाने के बाद हमें एक आउटपुट यहाँ पर मिल गया है ऐसे। कुछ फर्नीचर जैसे बेड, जैसे यहाँ पर दो लैट्रिन के लिए, यहाँ पर दो, यहाँ पर कोमोट, यहाँ पर दो बेडरूम। तो स्टेयर सामने से ऐसे रहेगा, लेफ्ट राइट से लेफ्ट, तो नीचे जगह रहेगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके हिसाब से, स्टोर के हिसाब से भी, ठीक है। तो चलिए हम इसका जिसका जो मेज़रमेंट हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे अभी, तो उसको देख कर आपको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो प्लानिंग है इसको रेडी किया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर मेज़रमेंट ऐड करेंगे, टोटल 20 बाई 30। यहाँ पर
देखिए 10 बाई 11 फीट का एक रूम, नेक्स्ट 10 बाई 11, नेक्स्ट यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन 3 फीट 11 बाई 5 फीट 6, 4 फीट बाई 5 फीट 6, सिंपल डिजाइन टू बेडरूम के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 फीट 9 इंच, यहाँ पर 8 फीट किचन। यहाँ पर बेडरूम नेक्स्ट, उसके बाद WC बाथ एंड WC, ओके इसके अंदर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर TRAWING ड्रॉइंग, DINING डाइनिंग, ड्रॉइंग डाइनिंग आपको इधर ही मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए स्टेयर, स्टेयर का जो आप उसके हिसाब से हम देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको आप देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर गेट सिंपल डिजाइन के साथ, यहाँ पर जो प्लानिंग है इसको हमने रेडी किया है। यहाँ पर जो टोटल मेजरमेंट 7 फीट 9 इंच, यहाँ पर 3 फीट, यहाँ पर 6 फीट 8 इंच, यहाँ पर भी 1 फीट 9 इंच, ओके। तो उसके बाद हम इसका जो टोटल स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट का डिज़ाइन है यहाँ पर